मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कन्हैया कुमार की ब्रांडिंग के लिए निकाली गई है और नाम भारत जोड़ो यात्रा दिया है। इस यात्रा का उद्देश्य फलीभूत होते हुए दिख रहा है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में हुई श्रद्धा की हत्या को लेकर भी बात की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता अब कन्हैया कुमार तक आ गई है, ये बात एकदम सही है। वैसे भी राहुल गांधी सबसे पहले जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कन्हैया से ही मिलने गए थे और ये यात्रा भी कन्हैया कुमार की ब्रांडिंग के लिए रखी गई है और यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा का उद्देश्य फलीभूत होता दिख रहा है। उन्होंने दिल्ली में हुई युवती श्रद्धा की हत्या पर कहा कि हत्या की ये घटना बहुत पीड़ादायी है, लेकिन उस पर भी कांग्रेस के आला नेताओं के मुख से एक शब्द नहीं फूटा। इतने विचलित कर देने वाले प्रसंग पर भी किसी ने कुछ नहीं बोला, ये कांग्रेसियों की मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक स्थानों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कांग्रेसी खुद ही कर रहे हैं। गुजरात में चुनाव के विषय पर उन्होंने कहा कि गुजरात में हमको बहुमत मिलने वाला है, राहुल गांधी यदि गुजरात जाते हैं तो हमें 2/3 बहुमत मिलेगा। राहुल गांधी की लोकप्रियता कन्हैया कुमार तक आ गई है, स्पष्ट तो बोला उन्होंने। तो बगल में उनके साथी बैठे थे राहुल गांधी के गुरु, वो माथा पकड़े थे। अब आप लोग इससे अंदाजा कर लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अगर कन्हैया कुमार से टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना से, वैसे राहुल गांधी सबसे पहले मिलने जेएनयू में इसी टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कन्हैया कुमार से गए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले से। इस यात्रा का उद्देश्य जो है ना फलीभूत होता दिख रहा है। ये कन्हैया कुमार की ब्रांडिंग के लिए यात्रा निकाली है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है और नाम भारत जोड़ो दिया। अब दिल्ली के जो आफ्ताब वाला मामला वैसे आया है श्रद्धा के 35 टुकड़े शरीर के करके फ्रिज में रखने का, बड़ी लोमहर्षक घटना है, पीड़ादायी घटना है, विचलित कर देने वाला प्रसंग है। देखो राहुल गांधी जी, मैंने अभी जैसे बोला था बहुमत हमको मिलने वाला था, वो जाएंगे तो 2/3 लोग बन जाएंगे। जितना भाजपा को योगेंद्र यादव जी उनकी पदयात्रा में साथ चल के आ रहे हैं, तो इन्होंने विद्वता का पैरामीटर भी लगाया होगा ना। गृह मंत्री मिश्रा ने दुष्कर्म के मामले पर कहा कि मध्य प्रदेश में दुष्कर्मियों को फांसी देने का कानून बनाया गया है, अब तक 38 मामलों में सजा हो चुकी है। धर्मांतरण मामले में उन्होंने कहा कि रायसेन और दमोह दोनों ही जगहों से धर्मांतरण की शिकायत मिली है, दोनों मामलों की जांच की जा रही है। मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि विधायकों से मिलने की शुरुआत कमलनाथ ने की थी, जब जब कमलनाथ बोलते हैं तब तब कांग्रेस टूटती है। वहीं पैसा एक्ट पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह ने जो कहा है वह उनके लिए है जिनसे वे घिरे हुए हैं। मिश्रा ने कहा, हमने 6,000 आरक्षकों की भर्ती कर ली है। आदरणीय प्रियंका कानून बोझी, रायसेन भी गए थे, आदरणीय दमोह भी गए थे। रायसेन के गोहरगंज में जो शिशु विरोधी केंद्र है उसको एक एनजीओ चलाता है, उससे जुड़ा विषय है ये विषय जांच में लिया गया है। एक दो दिन में जांच आने पर इसके बारे में विस्तार से आपके सामने उपस्थित होगा। जहां तक दमोह का मामला है, वहां भी हमारे बाल संरक्षण आयोग के आदरणीय प्रियंका कानून जी गए थे। वहां हॉस्टल में जो है वहां पर उसके अंदर कुछ बच्चे थे, इसमें से जनक गौड़ जो था उसके बारे में उन्होंने शिकायत की है आधारशिला संस्थान के बारे में। उन्होंने खुद ने ही रिपोर्ट की है जिस पर 370 IPC की दाला और JJ एक्ट के तहत अभी मुकदमा दर्ज कर जांच में लिया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले आरक्षकों की भर्ती में 6,000 पुलिस आरक्षकों की परीक्षा और परिणाम आ चुके हैं। फिजिकल का कुछ टेस्ट रह गया है, वो 6,000 की भर्ती हो गई है और आने वाले दिनों में हम 7,500 और आरक्षकों की भर्ती प्रारंभ करने वाले हैं। जी वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।